ओके, अभी क्लियर है आवाज? हाँ, ओके, यस। भाषा और व्याकरण में मैंने बताया था कि भाषा क्या है, तो भाषा क्या है? भाषा यानी भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं दूसरों को। हाँ, अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, वह एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरों के सामने से प्रकट करते हैं। तो भाषा के यहाँ पे दो रूप है। कौन से दो रूप है भाषा के? कौन से दो रूप है? यस, मौखिक और लिखित है। मौखिक या भाषा यानी, यस, मौखिक भाषा यानी जब हम बोल के दूसरों के सामने उसको प्रकट करते हैं और दूसरा जब उसे सुनता है। लिखित यानी हम अपनी विचारों को उसे लिखकर दूसरों के सामने उसे प्रकट करते हैं, या पुस्तक जो है उसका उदाहरण है, लिखित रूप का पत्र उदाहरण है। उसके बाद बोली, मैंने बताया था, बोली यानी यह मौखिक भाषा का एक रूप है। बोली यानी जिसे हम बोलते हैं, यानी भाषाएं, ठीक है। उसके बाद भाषाएं बहुत सारी है यहाँ पे। कितनी भाषाएं मैंने बोली थी? कितनी भाषा बताई थी? यस, 18 भाषा को, 18 भाषाओं को संविधान में लागू किया गया था, लेकिन और 4 भाषाएं उसमें जोड़ दी गई। कौन सी थी वो? मैथिली, डोंगरी, कोंकणी और बोडो। यस, ये 4 भाषाएं सम्मिलित की गई, तो टोटल 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता मिली। यस, आप में से कोई पूछ रहा था कि संथाली भाषा क्या है? संथाली भाषा जो है वह बहुत ही प्राचीन भाषा है, बहुत ही पुरानी भाषा है, जो कि उत्तर झारखंड में यह भाषा बोली जाती है। ठीक है, उत्तरी जो झारखंड है भाग क्षेत्र, उस भाग में यह संथाली भाषा बोली जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ, ओके। उसके बाद हम लिपि में आए थे कि लिपि यानी जो हम बोलते हैं। क्या समझ में नहीं आया? क्या नहीं समझ में आया? बोलो सानवी मोरे, क्या नहीं समझ में आया आपको सानवी? भाषा क्या है? भाषा यानी जो हम बोलते हैं। अभी जैसे मैम बताना चाहती कि फर्स्ट जो लेसन है भाषा और व्याकरण, वो क्या है, किसके बारे में कहा है, क्या चीज है उस लेसन में, तो मैम उसको बोल रही है और आप क्या कर रहे हो? उस चीज को सुनने का काम कर रहे हो, उसको समझने का काम कर रहे हो। तो मैं एक आवाज निकाल रही हूँ, उसकी जो लिपि है, जो भाषा है, मैं उस चीज को बोल रही हूँ। तो भाषा यानी एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, जो हम कहना चाहते हैं, वो दूसरों के सामने प्रकट करना, चाहे बोल के और चाहे लिख करके। यस, अभी समझ में आया थोड़ा बहुत? हाँ सानवी, हाँ। तो अभी लिपि में आते हैं। लिपि यानी जो हम बोलते हैं, जो हमारे मुंह से ध्वनियां निकलती है, आवाजें निकलती है, तो उसको लिखना भी तो है लिखित रूप में। हाँ, तो हर एक भाषा को लिखने के लिए एक निर्धारित चिन्ह दिए गए हैं। अभी जो इंग्लिश है, रोमन भाषा लिपि है, उसको लिखने का ढंग अलग है, हिंदी भाषा का लिखने का ढंग अलग है, पंजाबी भाषा लिखने का ढंग अलग है, उनकी जो साइंस है, सिंबॉल्स है, जो चिन्ह है, वो अलग अलग है। अलग अलग भाषाओं की जो लिपियां हैं, जो लिखने का तरीका है, वह अलग अलग है, वही लिपि है। तो जिन ध्वनियों को हम मुंह से बोलते हैं, उन्हें लिखने के लिए कुछ चिन्ह, कुछ सिंबल निर्धारित किए जाते हैं, उसे ही हम लिपि कहते हैं। यस, ये देखिए यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में आपको कुछ दिख रहा है? दिख रहा है ब्लैक बोर्ड में? कैन यू सी? हाँ, तो वो कौन सी भाषा है? कौन सी भाषा है? हिंदी है। और ऊपर ऊपर क्या लिखा है?
ऊपर। इंग्लिश कैसे कैसे आप यस आपने कैसे जाना कि वह कैसे जाना कि आपने वह इंग्लिश भाषा है और ये हिंदी भाषा है? उसके चिन्हों द्वारा, करेक्ट। उसकी लिपि अलग है, उसके चिन्ह अलग है कि हम देखते ही समझ जाते हैं कि हाँ ये इंग्लिश भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, ये हिंदी भाषा है, क्योंकि हम उसे पढ़ते हैं, समझते हैं, हम उस भाषा को, उस भाषा का ज्ञान है हमें, इसलिए। ठीक है, आगे देखिए। तो भाषाओं की यहाँ पे लिपियां दी गई है पेज नंबर 7 में कि जो हिंदी भाषा है, संस्कृत है, गुजराती है, जो मराठी भाषा है, इन सारे भाषा को लिखने का जो तरीका है, जो चिन्ह है, जो सिंबल है, वो एक ही है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि जो संस्कृत भाषा है वो बिल्कुल अलग होगी, नहीं, बिल्कुल सेम उसकी लिपि है, हिंदी के जैसे ही है, बस वहां पे ज्यादातर विसर्ग का प्रयोग किया जाता है, शब्दों के अंत में कई कई शब्दों में हलंत लगाया जाता है, उनका उच्चारण अलग होता है, लेकिन जो लिपि है, जो लिखने का तरीका है, वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाऊंगी कि संस्कृत की भाषा और उसकी बुक कैसी होती है। ठीक है, जो मराठी भाषा है, गुजराती भाषा है, वह भी सेम ही है उसकी लिपि। ओके, यस यस हाँ यस। उसके बाद फिर मैंने बताया कि हमारा जो भारत देश है, तो भारत देश में सबसे ज्यादा हिंदी भाषा बोली और समझी जाती है, भारत के हर एक कोने में, चाहे वो पूर्व हो, दक्षिण हो, उत्तर हो या दक्षिण हो, चारों दिशाओं में, हर एक क्षेत्र में, हर एक कोने में हिंदी को बोला और समझा जाता है। तो हमारे संविधान में हिंदी भाषा को सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त हुई, इसी भाषा को, उसके बाद सारे भाषाएं आती है। तो इस हिंदी भाषा को हर एक स्कूल में, कॉलेजेस में, सरकारी कार्यालयों में इस हिंदी दिवस को मनाया जाता है। उसका महत्व क्या है, कब आई ये भाषा, इस चीज के बारे में बताया जाता है, अनेक कार्यक्रम रखे जाते हैं। तो कब आया था, 14 सितंबर 1949 को हिंदी, इसको मान्यता मिली थी इस भाषा को, तो तब से लेकर हर साल इस हिंदी दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में आए थे, व्याकरण। व्याकरण यानी जो हम बोलते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम समझते हैं, वो वाक्य सही है या नहीं, वो शब्द सही है या नहीं, तो व्याकरण रूप से वह सही होना चाहिए। तो एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया है कि गाय दूध देता है, या तो वह तो वाक्य गलत है, क्योंकि गाय जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है। हाँ, तो देती है, देती जो है यहाँ पे क्रिया शब्द है, देता है होना चाहिए, तो क्रिया शब्द वहां पे गलत दिया हुआ, देती है सही होगा। एक लड़का रोहित है, एक लड़का रोहित है, तो यहाँ पे जो क्रम संख्या है, जो वाक्य लिखने का तरीका है, वह जंबल कर दिया गया है, इधर उधर लिख दिया उन शब्दों को, तो वह वाक्य भी गलत है। तो हम इस व्याकरण पुस्तक के द्वारा समझ सकते हैं कि हमारी भाषा को किस तरह स्पष्ट बनाना है। यस, व्याकरण क्यों होता है, इस व्याकरण क्यों होता है, ताकि हमारी जो भाषा है वह शुद्ध बन सके, हम शुद्ध बोल सके, शुद्ध वाक्य लिख सके, इसीलिए ये व्याकरण होता है, शुद्ध करने के लिए। कई सारे शब्द है वो रॉन्ग दिए, राष्ट्र दिया है, मनीष दिया है, शिक्षा दिया है, चानद दिया है, तो वो सारे शब्द गलत है व्याकरण रूप से, तो उनको सही करके वहां पे शुद्ध करके दूसरी तरफ लिखा हुआ है। तो यह क्या है, भाषा का एक हथियार है। युद्ध लड़ने से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, कैसे तैयारी होनी चाहिए हमारे पास, हथियार होना चाहिए। हाँ, ज्यादा होनी चाहिए, हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए। वो छोड़ दीजिए, युद्ध छोड़ दो, आपकी परीक्षा ले लो, यस, आपकी परीक्षा ले लो। जब आप परीक्षा देते हो तब हमारा जो तैयारी है, जो याद करने की जो मेमोरी है, वो पूरा कंटेस्ट होना चाहिए, पूरा नॉलेज हमें होना चाहिए, तब जाके वो जो नॉलेज हम यूज करते हैं उस पेपर में, तो वो जो नॉलेज है, वो जो हथियार है, वो सही रूप से होना चाहिए।
गलत लिख दिया हमने आंसर तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे, तो वो ध्यान में रख के हम अपना पेपर लिखते हैं। यस, दोबारा से दोहराएंगे। पेज नंबर 8 निकालो, पेज नंबर 8 दोबारा से रिवाइज करेंगे। भावों या विचारों के आदान प्रदान को, यानी जो हमारे विचार है उसको प्रकट करने के लिए जो हथियार चाहिए वो क्या है? भाषा। ठीक है, तो भाषा के यहाँ पे दो रूप है, मौखिक और लिखित। मौखिक यानी जिसको हम बोल करके दूसरों को प्रकट करते हैं, लिखित यानी जिसे हम लिख करके दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करते हैं, लिख के जब वो व्यक्ति उसे पढ़ता है। तो व्याकरण को शुद्ध रूप से, भाषा को शुद्ध रूप में लिखना बोलना और पढ़ना हमें सिखाता है। व्याकरण हमें क्या सिखाता है? उसे पढ़ना लिखना और उसे समझना, वह एक हथियार है भाषा के लिए इस्तेमाल करने के लिए। और एक और बात इसमें बताई गई कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है हर साल, और उसको मान्यता कब मिली थी तो क्या बोलोगे? 1949 को इसे मान्यता मिली थी और हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, उसे मान्यता दी गई है, यानी राजभाषा यानी हर राज्य में इसे बोला जाता है, इसलिए इसे राजभाषा कहा जाता है। और पूरे भारत देश में इसे कहा जाता है तो इसे क्या बोलोगे? राष्ट्रभाषा। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। यस, वन ऑफ यू आंसर प्लीज, यस नो समथिंग। हाँ जी, तो वहां पे उसी बॉक्स के नीचे चिड़िया दिख रही है और कुछ स्माइली दिख रही है, यानी वो चिड़िया गुनगुना रही है। क्या गुनगुना रही है? सुनना बोलना पढ़ना लिखना भाषा के हैं चारों काम, सीख लेंगे भाषा जब तब बन जाएंगे हम विद्वान। विद्वान यानी ज्ञानी, जिसे नॉलेज है बहुत। तो वो चिड़िया जो है वह भाषा का गीत गा रही है, यू कैन सी हियर, गुनगुना रही है वो लाइन, वो पंक्तियां दी है वहां पे। यस, हाँ जी, डिड यू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट लेसन, भाषा और व्याकरण, डिड यू अंडरस्टैंड? टेक आउट योर पेंसिल्स। पेंसिल रखिए साथ में। यस, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, पहले तो मैच द फॉलोइंग में, भाषा का उसकी उचित लिपि से मिलान करो। अंग्रेजी, अंग्रेजी की लिपि क्या है? अंग्रेजी की? यस, रोमन है, बिल्कुल रोमन पे मैच करो। यस, हिंदी की लिपि है देवनागरी, उर्दू की लिपि है फारसी। पेज नंबर नाइन पे हम सॉल्व करने चल रहे हैं। यस, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है, सॉल्व दैट। और उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन वर्ग पहेली दिया, वर्ग पहेली यानी पहेली, पहेली को हिंदी में बोलते हैं वर्ग पहेली, पजल को। तो वहां पे अलग अलग वस्त्र पहने हुए व्यक्ति खड़े हैं, पोशाक, तो वो किस धर्म के हैं या फिर किस जाति के लोग हैं वहां पे दिया हुआ है। सिंधी, तेलुगु, कोंकणी, उसके बाद यस यस मराठी भी दिया हुआ है उसको। यस, उसको कीजिए वो, यस कीजिए, और उस चीज को, यस उसको लिख, उसको यहाँ पे लिखना है, यू हैव टू राइट हियर, उसको गोला बनाइए, और वो नाम आपको यहाँ पे लिखना है।
और उसके बाद फर्स्ट जो क्वेश्चन है वहां पे क्वेश्चन आंसर है। आपको परिभाषा लिखनी है। भाषा किसे कहते हैं? भाषा के दो रूपों की परिभाषा लिखो, यानी मौखिक भाषा जो है उसकी परिभाषा और लिखित भाषा जो है उसकी परिभाषा वहां पे लिखना है दो लाइन में। लिपि किसे कहते हैं और हिंदी भाषा की लिपि क्या है? इट्स इजी, यू कैन डू। व्याकरण की भाषा लिखो तथा बताओ कि व्याकरण का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है। वो सभी होमवर्क है। कर लोगे ये सारे क्वेश्चंस? हाँ, अभी कैमरा ऑन करो चलो। यस, कैमरा ऑन करो।